पांडवों और कौरवों के मध्य में, तो जो कुरु जनपद का रेगिस्तानी क्षेत्र था वो पांडवों को दिया गया। वो सपाल दक्ष क्षेत्र था जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांडवों ने जो है कुबेर की सहायता से इंद्रप्रस्थ की स्थापना कर दी। तो शकुनि की ये इच्छा थी कि कुरु जनपद का विभाजन किया जाए और पांडवों को बंजर और रेगिस्तानी क्षेत्र दे दिया जाए, तो पांडव उसे लेने के लिए मना कर देंगे और दुर्योधन हस्तिनापुर पांडवों को देगा नहीं, इनमें यही युद्ध हो जाए। लेकिन पांडवों ने सहर्ष सपाल दक्ष ले लिया। उस सपाल दक्ष में वर्तमान जंगल प्रदेश, वर्तमान नागौर, सांभर, ये सभी क्षेत्र आया करते हैं। और उस प्राचीन यानी कि वो जो द्वापर युग की महाभारत कालीन पौराणिक स्थिति के कारण ही शाकंभरी को प्राचीन पौराणिक नाम के रूप में तो कैसे पुकारा जाता है, सपाल दक्ष। और 1,25,000 गांवों का समूह होने के कारण क्या कहा जाता है, सवाद लक्ष्य कहा जाता है।